डी इज अ कॉन्स्टेंट आपसे डी थ्री अपॉन डी एक्स क्यूब फंक्शन एफ एक्स को तीन बार डिफरेंशिएट करना है देखो ये दो रोज जो है आपकी कॉन्स्टेंट पड़ी हुई है तो एक बार में आप तीन बार डिफरेंशिएट कर सकते हो इसको ठीक है, है? यानी कि आप चाहो एक बार में थ्री टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दो डी बाय डी एक्स क्यूब डी थ्री इसका एक्स क्यूब का साइन एक्स के साथ में भी सेम काम करना है तीन बार डिफ्रेंशिएट कर दो है ना भाई दो रोज़ कांस्टेंट पड़ी हुई ना तो एक बार में अंदर डिफ्रेंशिएशन को आप अंदर ट्रांसफर कर सकते हो तो इसका जब डिफ्रेंशियट करेंगे थ्री एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर का टू एक्स और थ्री से मतलब एक सिक्स एक्स सिक्स एक्स का वन सिक्स एक्स का सिक्स सॉरी जो डिफ्रेंशिएशन आएगा ना सिक्स साइन एक्स का कॉस एक्स कॉस एक्सा माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स का फिर से माइनस कॉस एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स और ये सिक्स माइनस वन जीरो पी पी स्क्वायर पी क्यूब ठीक है तो ये आपका थ्री टाइम्स डेरिवेटिव आ चुका है डी थ्री एफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स क्यूब अब मेरे को इसको कहाँ पे चेक करना है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे तो ये निकल के आएगा सिक्स माइनस वन वन सिक्स माइनस वन सॉरी ये जीरो हो जाएगा जीरो पी पी स्क्वायर पी क्यूब दो रोज़ सेम आ गई डिटर्मिनट की तो जीरो हो जाएगा ठीक है ए